Hello students, good morning to all. Welcome to my class in standard 6 subject English 1. In subject English 1, we were learning the chapter number 1, the world of colors. World of colors में हमने क्या देखा कि यहाँ पे आपको rainbow में जो 7 colors होते हैं, तो वो 7 colors है, वो आपस में क्या करते हैं? Quarreling करते हैं, यानी झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे को उसका इम्पोर्टेंट, एक कलर बोलता है कि मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा कलर बोलता है कि नहीं मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ. ऐसे करके जो 7 कलर्स है रेनबो के, वो एक दूसरे से क्वारलिंग करते हैं. तो ये हमने लेसन है वो लर्न कर लिया है. तो आगे हम इसमें देखे तो हमने कहाँ पर, हम एक्टिविटी नंबर 9 में हम पहुंचे थे, वहाँ पे इन दिस लैंग्वेज स्टेट एक्टिविटी 9 में आपको क्या करना है कि In this language task, you will create your own name for new color and you will talk to your classmates about their created names. Some students may name their color with a theme and some students may name it some other way. Do the task to find out what happens. So, यहाँ पे आपको colors दिए हैं, mix the colors मिलो, then create your own names for them. आपको यहाँ पे नीचे कलर्स दिए हैं, कौन कौन से कलर आपको मिक्सअप करने हैं और जो मिक्स करके जो कलर बनता है उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है. तो आप इसका क्या नेम देते हो, कोई थीम्स के नेम से, कोई थीम वो जो कलर बनता है उस कलर की कोई थीम्स भी हो सकती हो, तो आप वो कोई थीम्स का नेम भी दे सकते हो या फिर आप कुछ अदर वे से भी उसको नेम दे सकते हो. तो नंबर कलर 1 है, इसमें मिक्स ग्रीन एंड ब्लू. आपको इसमें ग्रीन प्लस ब्लू, तो यहाँ पे कौन सा कलर बनेगा वो आपको घर पे मिक्सअप करके देखना है. दूसरा है मिक्स ऑरेंज एंड पर्पल. आप ऑरेंज और पर्पल ऐड करके मिक्स करके देखे कि कौन सा कलर बनता है. फिर है मिक्स रेड ब्लू एंड येलो. यहाँ पे आपको 3 कलर दिए हैं, रेड प्लस ब्लू प्लस येलो. अभी आपको ये तीनों कलर मिक्स करके आपको देखना है कि कौन सा कलर है वो क्रिएट होता है. तो उसका नेम आप खुद से अपना नेम दे सकते हो कलर का, या जो कलर बनता है उस कलर की कोई थीम्स है तो उस थीम्स का नेम भी आप लिख सकते हो. फिर यहाँ पे आपको कॉलम दिया है, उसमें नेम योर कलर, नेम योर कलर, ये तीनों आपको घर पे ट्राई करके उसके तीनों के कलर लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट पेज पे देखे, टॉक टू योर क्लासमेट टू फाइंड आउट व्हाट योर क्लासमेट नेम देयर कलर्स. अभी सभी ने क्लास में, अभी तो आप क्लास में स्कूल में जा नहीं रहे हो, लेकिन घर पे आपके कोई भाई हो या बहन हो तो उनके साथ भी आप ये कर सकते हो. तो आपको उसको भी ये सब मिक्स करने को, ब्रदर या सिस्टर को, किसी को भी आपको ये सब मिक्स करने को बोलना है तो उनको, वो लोग है वो क्या नेम देते हैं जो कलर बनता है उससे क्रिएट होता है, वो भी आपको पूछना है और लिखना है. फिर है एक्टिविटी नंबर 10. तो एक्टिविटी नंबर 10 में है, रीड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट यूज द इडियम वंस इन अ ब्लू मून. यहाँ पे आपको इडियम्स दिए गए हैं, तो उसके इडियम्स के यूज करके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो उसका मीनिंग क्या होगा वो हम देखते हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी द एक्टिविटी नंबर 10 इडियम्स. इडियम्स में आपका पहला है वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, यानी कभी कभार, यानी कभी कभी, समटाइम्स, ऐसा उसका मीनिंग होता है. तो यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का यूज करके यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं. तो पहला एग्जांपल है, आई ओनली ईट स्वीट्स वंस इन अ ब्लू मून. मैं है ना स्वीट, स्वीट है ना, वो वंस इन अ ब्लू मून में खाता हूँ. वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी कभार ही खाता हूँ, वेरी रेयरली, कभी कभी मैं स्वीट्स खाता हूँ. आई रियली ट्राई टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने आप को केयर लेना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा स्वीट्स खाने से हमारी हेल्थ है वो बिगड़ जाती है, इसलिए मैं कभी कभी ही स्वीट्स खाता हूँ. दूसरा है, द ओनली पार्ट ऑफ द वर्क आई डिडंट लाइक वॉज वंस इन अ ब्लू मून
have to stay all night doing paper work. तो मुझे है ना पेपर वर्क करने का जो वर्क होता है उसमें स्टे ऑल नाइट, पूरी नाइट स्टे करके पेपर वर्क करने का जो काम है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून कभी कभाड़ी मैं ये करता हूँ, ये काम है वो मैं कभी कभाड़ी करता हूँ, क्योंकि उससे ये स्टे करके काम करना पसंद नहीं है. तो यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होगा, वेरी रेयरली समटाइम्स. उसके अलावा भी आपको थर्ड एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, वंस इन अ ब्लू मून यू माइट गेट लकी बट द बेस्ट वे टू गेट वॉट यू वॉन्ट इज टू वर्क हार्ड. कभी कभार आपको लगता है कि आप लकी हो, बट द बेस्ट वे टू गेट वॉट यू वॉन्ट, जब जो आपको चाहिए वो पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्क हार्ड. आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कभी कभी हमें मेहनत किए बिना भी कुछ मिल जाता है, तो आप क्या समझते हो कि हम लकी है, लक की वजह से कभी कभी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन हार्ड वर्क करना जरूरी है. चलो ये आपको ऐसे idioms and phrases लिखने हैं और उसका मीनिंग भी साथ में लिखना है. तो ये उसका मीनिंग है वो आपकी बुक में आप राइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे दिया है वॉट डू यू थिंक वंस इन अ ब्लू मून मीन्स. वंस इन अ ब्लू मून मीन्स क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली या तो समटाइम्स. सो राइट इट इन योर बुक. ओके नेक्स्ट है सो ट्रू कलर्स. सो ट्रू कलर्स यानी अपना सच्चा रंग दिखाना किसी के सामने. आप होते कुछ हो लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे वो है अपना जो ट्रू कलर है वो दिखाने लग जाते हैं. जैसे कि कभी कभी लोग है वो सबके सामने अच्छे बनते फिरते हैं, लेकिन जब कुछ होता है या फिर कोई इसके अगेंस्ट जाता है या उनको गुस्सा आ जाता है तो वो जो पीपल है वो अपने जो ट्रू कलर्स है वो दिखाने लग जाते हैं. तो ट्रू कलर्स का मीनिंग क्या आएगा, तो रिवील वनसेल्फ फ्रेंकली. फ्रेंकली जो होते हैं वो उसको दिखाने का होता है. तो वनसेल्फ यानी जो खुद को अपने आप को फ्रेंकली रिवील करे तो उसको क्या बोलते हैं, सो ट्रू कलर्स. तो एग्जाम्पल में देखे तो वेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस, जब पीपल है वो स्ट्रेस में होते हैं तो दे सो देयर ट्रू कलर्स. जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है पीपल को तो वो अपने जो सच्चे रंग है यानी अपने रंग दिखाने लग जाते हैं. दूसरा है ही सीम्ड वेरी लवली बिफोर द वेडिंग. वेडिंग से पहले वो है वो कैसा दिख रहा था, बहुत ही लवली दिख रहा था. बट आफ्टरवर्ड्स लेकिन उसके बाद ही बिगेन टू शो हिज ट्रू कलर्स. शादी से पहले है वो कैसा दिखता था, बहुत ही लवली लग रहा था, लेकिन शादी के बाद है वो उसने क्या स्टार्ट कर दिया, बिगन कर दिया, सो हिज ट्रू कलर्स, अपने जो सच्चे रंग है वो अपने रंग दिखाने का स्टार्ट कर दिया. इसके अलावा थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे कि योर विलिंगनेस टू शो योर ट्रू कलर्स प्रूव्स यू हैव नथिंग टू हाइड. तो आपकी जो विलिंगनेस है वो जो ट्रू कलर्स दिखाने की वो है वो प्रूव्स कर देती है कि आपके पास कुछ भी छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है. तो सो योर ट्रू कलर्स यानी टू रिवील वनसेल्फ फ्रेंकली. तो इसका आपको मीनिंग भी लिख लेना है और एग्जांपल भी लिख लेने हैं. ये सेकंड है, थर्ड है वो आप ये पहले लिख लीजिए, बाद में थर्ड देखते हैं. हियर इज द थर्ड वन, गेट द ग्रीन लाइट. गेट द ग्रीन लाइट यानी आप बोलते हो ना हरी झंडी मिलना, यानी कुछ करने के लिए आपको परमिशन मिल जाना. तो टू उसका मीनिंग होगा टू रिसीव परमिशन टू डू सो. कुछ करने के लिए आपको हरी झंडी मिलना यानी कुछ भी करने के लिए आपको परमिशन मिल जाना, तो उसको हम बोलते हैं गेट द ग्रीन लाइट. लेट्स सी द एग्जांपल्स. इफ यू वांट टू हैव अ पार्टी यू विल नीड टू गेट द ग्रीन लाइट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स. अब अगर आपको पार्टी चाहिए, आपको पार्टी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स से पहले क्या लेनी पड़ेगी, गेट द ग्रीन लाइट यानी परमिशन लेनी पड़ेगी. वी हैव द ग्रीन लाइट नाउ सो वी कैन गो बिल्ड द स्टेडियम.
हमारे पास अब है वो ग्रीन लाइट है, वी हैव द ग्रीन लाइट, हमारे पास अब परमिशन है, यानी हमें परमिशन मिल गई है, सो वी कैन गो बिल्ड द स्टेडियम। सो हम स्टेडियम बनाने के लिए हम जा सकते हैं, यानी हमें परमिशन मिल गई है। आई एम हैप्पी टू से वी हैव गॉट द ग्रीन लाइट टू गो अहेड विद द सेल, सेल के साथ हमें आगे जाने की ग्रीन लाइट मिल गई है, यानी परमिशन मिल गई है, इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी, इसीलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो ये इसके एग्जांपल है। आज भी कभी खेलने जाना होता है तो आपको भी घर से क्या लेना पड़ता है, ग्रीन लाइट परमिशन लेते हो ना मम्मी से या पापा से, बाहर जाना होता है, फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, तो आप क्या करते हो, परमिशन लेते हो। अगर परमिशन मिल जाती है तो इसका मीनिंग क्या होगा, कि आपने गेट द ग्रीन लाइट, आपने ग्रीन लाइट गेट कर ली है, यानी आपको परमिशन मिल गई है, अभी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो इडियम्स है उसका मीनिंग हमने देखा और एग्जांपल भी हमने किए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर वन था जो द वर्ल्ड ऑफ कलर्स, वो यहाँ पे आपका ओवर होता है। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर टू, यूनिट नंबर टू, अमेजिंग एनिमल्स। सो ये आप पहले लिख लो, बाद में मैं ये रब कर देती हूँ। ओके ओके, चैप्टर नंबर टू, अमेजिंग एनिमल्स। तो इस लेसन में एक्टिविटी नंबर वन देखते हैं। दिस यूनिट इज अबाउट सम ऑफ द अमेजिंग एनिमल्स दैट शेयर अवर वर्ल्ड, दुनिया हमारे शेयर करने के लिए है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे अमेजिंग एनिमल्स है। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है और कुछ है व्हाट एनिमल शेप डू यू सी, यहाँ पे कौन से एनिमल का शेप आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाई शेप कौन सा है, बटरफ्लाई, फिर ये बटरफ्लाई है उसका शेप है, लेकिन इस बटरफ्लाई के शेप में आपको कुछ बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो वर्ड्स है वो लिखे हुए, उससे आपको एक बटरफ्लाई का शेप बनाया गया है। तो व्हाट वर्ड्स डू यू फाइंड इन द शेप, तो ये शेप में आप कौन कौन से वर्ड्स है वो आपको मिलते हैं, तो लेट्स सी। तो आपको बहुत स्मॉल बहुत सारे वर्ड्स है, तो बड़े बड़े जो लेटर्स है वो तो इजिली हम रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स है वो बहुत स्मॉल स्मॉल लेटर्स में भी दिया गया है। तो रेड है, फ्लाई है, आप खुद से आपको आपको ट्राई करना है, फाइंड करना है, और कौन कौन से वर्ड है दिख रहे हैं आपको वो सब आपको लिखना है। तो कौन कौन से है, फ्लाई, कलर, फिर एंटेना, फिर फ्लाइंग, बटरफ्लाई, फ्री, फ्री है, फ्री, ये क्या दिख रहा है, कैन यू गेस, इंसेक्ट, ये तो हमने यहाँ पे थोड़े जो फाइंड किए वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। इससे अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स है वो आप फाइंड करके आप लिख सकते हो। अभी आप देखें तो एक्टिविटी नंबर टू, एक्टिविटी नंबर टू में क्या है कि बैटल इन द जंगल पार्ट वन, बैटल इन द जंगल पार्ट वन है वो स्टोरी है। तो लेट्स सी द स्टोरी, लेट्स सी द स्टोरी, बैटल इन द जंगल पार्ट वन, यहाँ पे बैटल हो रही है जंगल में, बैटल हो रही है, तो क्या है तो देखते हैं चलो। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ऑल द एनिमल्स दैट वॉक्ड ऑन लैंड एंड ऑल द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट फ्लू इन द स्काई, ऑल द एनिमल्स दैट वॉक ऑन द लैंड, जो जमीन पे जो जो एनिमल्स चलते है वो, और जो जो बर्ड्स है और जो जो इंसेक्ट्स है जो स्काई में फ्लाई करते हो वो सभी, बिगन टू क्वारल अबाउट
उन सभी ने क्या किया, जो जो एनिमल्स जमीन पे जो चलते हैं वो एनिमल्स, और जो हवा में उड़ते हो वो बर्ड्स, और वो इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सब। तो उन्होंने क्या कर दिया, झगड़ा किया, क्वारल किया अबाउट हु वॉज द स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। झगड़ा किस बारे में था कि कौन है वो स्मार्ट है और कौन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है। तो ये जो एनिमल्स और बर्ड्स इंसेक्ट के बीच में झगड़ा हुआ कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा उनके बीच में झगड़ा होता है। एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली, तो पहले तो ये जो दोनों ग्रुप्स थे एनिमल्स के और बर्ड्स के, दो पहले तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे, सॉफ्टली एक दूसरे से बात कर रहे थे, झगड़ा बगड़ा नहीं कर रहे थे। फिर देन स्लोली दे बिकेम एंग्रियर एंड लाउडर, फिर धीरे धीरे वो बात बात में वो क्या हो गए, एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, धीरे धीरे वो गुस्सा होने लगे और एक दूसरे के सामने लाउडर यानी सो लाउडली स्पीक करने लगे, जोर जोर से एक दूसरे से बात करने लगे। द टाइगर्स ग्रोल्ड एंड द वुल्व्स हॉल, टाइगर है वो ग्रोल्ड करने लगा, वुल्व्स थे वो हॉल करने लगे। द बर्ड्स गेव लाउड क्राइस, बर्ड भी जोर जोर से क्राइस करने लगे, चिल्लाने लगे एंड केकल्स करने लगे। द इंसेक्ट्स बजिस एज लाउडली एज दे कुड, जो जो इंसेक्ट्स थे वो भी बजिस बज करने लगे और जितना हो सके उतने जोर से बज करने लगे। एट लास्ट, फिर लास्ट में क्या हुआ, ये सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपनी अपनी आवाज में जोर जोर से चिल्लाए, क्राइज किया। फिर एट लास्ट यानी लास्ट में क्या हुआ, एन ओल्ड पैरट सेड, एक पैरट था वो बहुत ओल्ड था यानी बहुत बूढ़ा हो गया था, स्टॉप शाउटिंग, वो कहता है स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, लेट्स फाइट, कि चलो हम ये अपनी जो एनर्जी है वो और हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना है, हमारी एनर्जी भी इसमें हम वेस्ट टॉकिंग में वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स फाइट, चलो हम फाइटिंग करते हैं, झगड़ते हैं। तो एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया, तो जो पैरट था वो तो बर्ड की साइड था, तो जो एनिमल्स थे वो क्या करने लगे, लाफ करने लगे, हंसने लगे, क्योंकि ये बर्ड्स के जो आइडिया है फाइट करने का आइडिया, लड़ाई करने का, फाइट होगी तो ऐसे एनिमल ऐसे करके बर्ड्स क्या हमसे फाइट करेंगे, ऐसा करके वो हंसने लगे। व्हाट सेड द लायन, क्या लायन ने क्या बोला, क्या कैन यू फाइट अस, क्या तुम हमसे फाइट करोगे, डोंट बी फूलिश, फूलिश मत बनो, आई कैन बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ यू, लायन कहता है कि आप सभी में से मैं सबसे ज्यादा, मेरा जो बाइट होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो एलिफेंट सेड, फिर एलिफेंट क्या बोलता है, आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस, मैं ये पूरा ट्री है वो उठा सकता हूँ और एक ही साथ में सबके साथ झगड़ा कर सकता हूँ। फिर वी विल इजिली डिफीट यू, और बर्ड्स को एनिमल्स क्या करते हैं, तो हम तो इतने ताकतवर है, लायन कहता है, एलिफेंट कहता है कि हमें इतनी ताकत है तो आप क्या, हम तो आपको इजीली हरा देंगे। विल यू सेड द पैरट, पैरट क्या पूछता है, क्या तुम हरा दोगे, वी विल सी अबाउट दैट, गेट रेडी टू फाइट अस, इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है, तुम फाइट करने के लिए तुम सब लोग रेडी हो जाओ, क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे। द लायन बिकेम द कमांडर ऑफ द एनिमल्स, लायन है वो क्या बन गया, एनिमल्स का कमांडर लायन बन गया। द पैरट बिकेम द कमांडर ऑफ द बर्ड्स, अब दोनों फाइट करनी है तो दो टीम हो गई, एक तो एनिमल्स की और एक इंसेक्ट्स और बर्ड्स की टीम, तो सभी जो टीम लड़ने के लिए जाए उसमें पहला जो कमांडर तो होता है ना, जो कमांड दे पूरे अपनी टीम को कमांड दे सके, तो जो एनिमल्स की टीम थी उसका कमांडर लायन बन गया और जो बर्ड्स की टीम थी उसका कमांडर पैरट बन गया। द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर एंड गेव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, सभी जो लायन था कमांडर था वो उसने सभी एनिमल्स को बुलाया, एक साथ बुलाकर मीटिंग की और उसको ड्रिल प्रैक्टिस के लिए ड्रिल दी। दे मार्च फॉर लॉन्ग आवर्स, कुछ
घंटों के लिए सभी ने मार्च किया। He gave them a lot of good food too. और लायन ने सभी अच्छे से लड़ सके, सभी में ताकत आए, इसलिए लायन ने सभी एनिमल्स को बुलाया और प्रैक्टिस करवाई और मार्च करवाया और सभी को अच्छा सा फूड यानी खाना भी दिया जिससे उनमें ताकत आ सके। The poor birds did not have good food. और जो बर्ड्स थे वो बहुत पुअर थे, उनके पास गुड फूड यानी अच्छा फूड भी नहीं था। And they did not practice, और उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की। Instead they had a meeting with their friends, the insect. जो उनके फ्रेंड थे इंसेक्ट, तो उन्होंने ऐसे प्रैक्टिस करने की बजाय उन्हें मीटिंग की। उनके जो फ्रेंड थे इंसेक्ट्स थे उनके साथ बैठकर सिर्फ मीटिंग ही की, उन्होंने फूड वूड कुछ भी उनके पास नहीं था इसलिए। तो यहाँ तक पार्ट वन है, उसकी स्टोरी यहाँ तक ही, आगे क्या होता है तो वो आपको पार्ट टू में दिया है। तो अभी हमने पार्ट वन फिनिश किया, उसके जो न्यू वर्ड्स है और उसके मीनिंग है वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखती हूँ और एक्सप्लेन भी करती हूँ। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। क्वारल, क्वारल यानी एंग्री, डिसएग्रीमेंट यानी एंग्री यानी गुस्से वाला, जो एक दूसरे से एग्रीमेंट ना हो और उसमें गुस्सा हो ऐसा, उसको हम क्वारल यानी हम झगड़ा बोलते हैं, उसको हम क्वारल बोलेंगे। फिर है मैन, मैन है वो क्या होता है, तो लॉन्ग हेड फ्रॉम द नेक्स ऑफ सर्टेन एनिमल्स, जो लायन और जो टाइगर और सब एनिमल्स के जो यहाँ पे जो हेयर होते हैं नेक के थ्रू यहाँ पे, तो उसको हम मैन बोलेंगे। बेटल, बेटल यानी युद्ध यानी फाइट। स्टिंग, स्टिंग यानी टू हर्ट विथ अ सडन शार्प पेन, शार्प पेन से किसी को हर्ट करना मारना, उसको हम बोलेंगे स्टिंग। रोर, रोर यानी टू अटर अ लाउड डीप एंड रबलिंग साउंड, जो लायन है वो बहुत जोर से जो चिल्लाता है उसको क्या बोलेंगे हम, रोर करना बोलेंगे। स्पाई, स्पाई यानी टू वॉच क्लोजली एंड सीक्रेटली, स्पाई यानी बहुत नजदीक जाके सीक्रेटली यानी किसी को बताना चले ऐसे आपको क्या करना होता है, वॉच यानी देखना, कोई कुछ कर रहा हो तो हम जो सीक्रेटली उसको वॉच करे तो उसको क्या बोलेंगे, स्पाई बोलेंगे। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। ओके, अब आपका एक्टिविटी नंबर थ्री है, तो लेट्स सी द एक्टिविटी नंबर थ्री। नाउ इट्स द एक्टिविटी नंबर थ्री। एक्टिविटी नंबर थ्री में आपको क्या है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि थ्री कैरेक्टर्स हैव स्पोकन इन द स्टोरी सो फार। स्टोरी में तीन कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने स्पोक यानी कुछ न कुछ बोला है। हु आर दे, तो किस किस ने इसमें स्टोरी में कुछ बोला है, तो वो कौन से एनिमल्स है, तो पहले तो कौन बोला था, एन ऑयल पैरट, फिर दूसरा कौन सा था, द लायन, एंड द लायन एंड द एलिफेंट। तो ये जो थ्री कैरेक्टर्स है उन्होंने स्टोरी में स्पीक किया है। अभी नेक्स्ट है लुक केयरफुली एट द स्टोरी, आपको स्टोरी को देखना है यानी आपको रीड करना है। हाउ डू यू नो हु इज स्पीकिंग, आपको कैसे पता चला कि कौन बोल रहा है। हाउ डज द पंक्चुएशन इन द स्टोरी शो यू दैट द कैरेक्टर्स आर स्पीकिंग, कैरेक्टर्स है वो बोल रहे हैं, तो ऐसा कौन सा पंक्चुएशन आपको दिया गया है जिससे आपको पता चले कि ये कैरेक्टर्स है वो स्पीकिंग कर रहे हैं। नोटिस एंड कॉपी वन ऑफ द कोटेशंस, आपको नोटिस करना है और आपको क्या करना है, एक कोटेशन है उसमें से कॉपी करना है, विच इज पंक्चुएशन, उसमें जो जो पंक्चुएशन मार्क दिए गए जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, कोमा है, तो ऐसे पंक्चुएशन मार्क के साथ आपको यहाँ पे फ्रॉम वन ऑफ द कैरेक्टर, जो तीनों कैरेक्टर्स में जिन तीनों में से जिसने भी बोला है उसको पंक्चुएशन मार्क के साथ यहाँ पे आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो पहले तो पैरट ने भी बोला है कि पैरट जो कोई भी कैरेक्टर्स बोलता है तो उसका जो सेंटेंस है वो हम ऐसे कोमा करके
लिखते हैं तो आप यहाँ पे लिख लो, फिर बीच में जो ऐसा को कुछ भी आता है क्वेश्चन मार्क आता है वो भी करना होता है। जब उसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ये सेंटेंस यहाँ पे ओवर हो गया, तो ये यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और ये जो कोमा किया था वो कोमा पूरा होगा। तो ये जो कोमा के अंदर जो हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो कुछ कैरेक्टर्स ने बोला हुआ सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे पैरट का भी है, लायन का भी है, एलिफेंट का भी है, तो हम कौन सा लिखेंगे? तो लेट्स राइट द एलिफेंट, एलिफेंट सेड करके जो है वो हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। ओके, कैसे लिखना है? द एलिफेंट सही, फिर यहाँ पे कोमा और ऊपर भी दो कोमा आएगा। आई कैन लिफ्ट द एलिफेंट सेड, एलिफेंट बोलता है, क्या बोलता है? तो वो यहाँ से जो दो कोमा आए यहाँ से आपको उसने आपको जो बोलता है वो सेंटेंस लिख देना है। आई कैन लिफ्ट बोल्ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस। एक सेंटेंस उसने बोल दिया यहाँ पे फुल स्टॉप, आगे अभी भी उसका बोलना चालू है तो फुल स्टॉप करके दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है। ही विल इजीली डिफीट यू, सॉरी वी विल इजीली डिफीट यू, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस पूरा होता है, कंप्लीट होता है, उसका जो उसने जो बोला है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो वो जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। तो ये दो कोमा फिर से आपको कंप्लीट वाले दो कोमा यहाँ से स्टार्ट वाले यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो कुछ भी कोई भी बोलता है तो उसको ऐसे आपको कोमा में लिख देना है। तो ये था क्वेश्चन टू का आंसर। आप ये दोनों है वो अपनी बुक में या टेक्स्ट बुक में भी आपको यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे बॉक्स में आप ये दोनों यहाँ कॉपी कर लीजिए। ओके ओके, हैव यू रिटन दिस इन योर बुक? नाउ यहाँ पे मैं ये जो है वो लेसन यहाँ पे कंप्लीट जो है वो स्टॉप करती हूँ। आगे जो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपको द स्टोरी सेज नेक्स्ट पेज में आपको क्या दिया गया, द स्टोरी सेज है वो आपको दूसरा जो वर्क पेयर में वर्क करना है, ग्रुप में वर्क करना है वो आपको दिया है। और आपको ये जो स्टोरी मैंने अभी स्टडी हमने किया उसको आपको घर पे रीड करना है, जो न्यू वर्ड्स है उसको भी लर्न करना है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टोरी का देखेंगे, वहां पे आपकी स्टोरी कम्प्लीट होगी, तब तक ये आपको रीड करना है। ओके, थैंक यू।